part of this. It's a fruitful lecture, so we all promise you that. Absolutely true that it's really a great privilege for all of us to be a part of this. के बारे में अवेयर करें, तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन है। आप एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं सर? एट्थ और नाइन्थ के। आप में से तो गाड़ी कोई नहीं चलाता होगा, आई होप। कोई चलाता है टू व्हीलर? डरने की बात नहीं, कोई चलाता है तो बताएं, हाथ रेज करें अपना। कोई चलाता है? करें, कोई इशू नहीं है, करें। ये रेज हुए अभी तक, और लाइसेंस किसी के पास नहीं है, इसीलिए आपके पास आए हैं। आप लोगों को अवेयर करें, तो जो हॉस्पिटल से डॉक्टर्स हैं वो वेट करते हैं कि पुलिस आएगी तो हम उस विक्टिम का इलाज शुरू करेंगे जी। तो ये जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप उठा के आप उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने आपको कोई विटनेस नहीं बनाएगा वहाँ पे। आपने हमारी फर्स्ट ह्यूमैनिटी की नेचर से भी आप देखें, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है कोई पास में खड़ा होता है, उसका फर्ज बनता है कि उसको उठाए और ले जाए उसको हॉस्पिटल में पहले फर्स्ट एड दे, ठीक है ना। ये मैंडेटरी नहीं है कि वो क्वेश्चन करेगा आपसे, कोई करेगा तो आप पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे से क्वेश्चन कर रहा है। थैंक यू। सर, मेरा नाम कार्तिक है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आजकल कुछ बच्चे 12-13 साल की उम्र से ही अंडर एज ड्राइविंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, तो हमें उनसे कैसे डील करना चाहिए? तो पहले बता दिया है कि 18 की एज होगी, उसके बाद आपका टेस्ट होगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनेगा वैलिड लाइसेंस, उसके बाद आप टू व्हीलर चला सकते हैं। अदरवाइज वो आपको मैंने बता दिया, उसका फाइन 10,000 है और उसमें आपके घर वालों को इम्प्रिजमेंट हो सकती है, सजा हो सकती है उनको 3 महीने या 6 महीने की। थैंक यू सर। माई क्वेश्चन इज in our area there is no traffic signal, so traffic jam is common here. This can also lead to accidents. What are your thoughts about this? अभी traffic lights का system नहीं हुआ, लेकिन in coming days में हमारे लिए यहाँ पे जो आपका road का काम लगा हुआ ना, उसमें हमारे
कैमरेज आ रहे हैं वो स्पीड लिमिट के कैमरेज फिक्स हो जाएंगे रोड के ऊपर। अभी हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड लिमिट चेक कर लेंगे और आपका चलान आपके घर में पहुंच जाएगा। जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन चलानिंग कर रहे हैं, हमारे पास मशीन्स हैं, अगर कोई वायलेटर हमें मिलता है रास्ते में तो उसका वो क्लिक करता है फोटो और वो सीधा उसके मैसेज उसके घर में चला जाता है। आजकल रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इनकमिंग डेज में जो नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है उसकी वजह से काफ़ी कंजेशन रहता है और जैमिंग का कारण बन रहा है, लेकिन फिर भी हम जो अपनी तरफ से होता है हम रेगुलेट कराते हैं उसको। और ये आपके चलानी जो है आज फिर आगे कैमरे लग जाएंगे, उसमें स्पीड लिमिट कैमरे लग जाएंगे, जब रोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा आपका। पुलिस की पाठशाला मुझे याद है आज से सर 4 साल पहले की बात हो रही थी कि SSP सर आए थे और उन्होंने भी इस तरह से बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन सेशन किया और उसमें भी बहुत सारी क्वेरीज जो थी वो बच्चों की, उन तक बहुत सारा नॉलेज शेयर किया गया, पुलिस की सर्विसेज के बारे में बात की गई। लेकिन आज का सेशन जो एक्सक्लूसिव ट्रैफिक रूल्स के ऊपर था और बच्चों का क्या रोल है इसमें, आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, ये आपने बहुत अच्छे से बताया। प्रेमपूर्वक नमस्कार, मैं नरेश कुमार, चेयरमैन लर्निंग टेंपल हाई स्कूल कठुआ। और जैसा कि आप आज के कार्यक्रम के बारे में पूछ रहे हैं, तो आज पुलिस की पाठशाला एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ स्कूल में, जिसमें हमारे मुख्य मेहमान श्री इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह जी जो DTI कठुआ हैं वो उपस्थित थे, उनकी पूरी टीम इनके साथ थी। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो आज का जो विषय था ट्रैफिक के ऊपर, जिसमें ट्रैफिक रूल्स और बच्चों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है गाड़ी चलाते हुए, और वो तो बेसिक बातें तो करते ही हैं, लेकिन बहुत इन डेप्थ में, इन डिटेल में जो है आज हेलमेट, सीट बेल्ट, जो साइबर क्राइम के बारे में, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विस्तार में चर्चा में आई थी, जिसमें बच्चों ने बहुत कुछ लर्निंग्स भी हुई हैं और कन्वे किया गया कि बच्चे खुद भी सीखें और परिवार में जो सदस्य गाड़ियां चलाते हैं, जो व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, उनको भी अवेयर करें, अपने सराउंडिंग्स को भी अवेयर करें। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से ही मैं पूरी टीम का, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये इस तरह के प्रोग्राम्स मुझे लगता है कि इस एज पे बच्चों को, जब इसी एज पे इन चीज़ों के बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी होती है। लास्ट का जो सेशन था हमारा, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने लाइव क्वेश्चंस अपने जो हैं वो सर से पूछे और उन्होंने भी बहुत अच्छे से उसके आंसर्स भी दिए, बहुत सारी क्लैरिटीज़ हुई ट्रैफिक के ऊपर। तो ऐसे कार्यक्रम से मुझे लगता है ये बच्चों में ज़्यादा सीखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ही जब कोई पर्सनालिटी, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आते हैं उनके कंधे पे लगे हुए बैचेस, जो स्टार्स हैं जो कंधे पे लगे हुए, वो भी बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि हम भी देश की सेवा के लिए इसी तरह अपने आप को आगे लेके आएं। बहुत बहुत धन्यवाद।